Now concentrating that examples, first of all, in that case it is a combination of decrement as well as increment. But here pre-increment, post-decrement. Here post-increment, pre-increment, post-decrement. First of all, we are creating two variables A and B. Allocating memory space for variable A and variable B. Initially, A is initialized by 100 and B is initialized by 200. Clear? Next one. दोनों ही केसेस में अप्लाई क्या करेंगे असाइनमेंट रूल, बिकॉज दोनों केस में परफॉर्म क्या हो रहा है असाइनमेंट नॉट इनिशियलाइजेशन. ये और भी ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुके बाय 100 और 200, देयरफॉर इट इज अप्लाइड. हियर वी आर अप्लाइंग असाइनमेंट रूल. असाइनमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगेन फॉलो करेंगे परफॉर्म सेम केस ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्री, हाउ मेनी प्री इज देयर, ओनली वन प्री ओनली इन ए. प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हेयर प्री डिक्रीमेंट नॉट अ इंक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट. प्री डिक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे सबसे पहले क्या प्री, प्री के अकॉर्डिंग ओनली प्री ऑपरेशन कितनी बार है वन टाइम्स इन ए. नाउ ए इज डिक्रीमेंटेड बाई वन, ए बिकम्स 99, हेयर ए बिकम्स 99. नेक्स्ट वन असाइनमेंट, असाइनमेंट किस में कराएंगे ए में, तो ए के केस में ए के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या करो वैल्यू ऑफ ए विच इज 99 एंड बी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ बी विच इज 200. 200 प्लस 99 बिकम्स 299 असाइन टू द ए. नाउ वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 299. क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. आफ्टर दैट पोस्ट, पोस्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फॉर बी ओनली वन टाइम. पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट. नाउ ए बी बिकम्स 201. आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ ए इज 299, वैल्यू ऑफ बी इज 201. नेक्स्ट वन वी आर सॉल्विंग सेकंड एक्सप्रेशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड एक्सप्रेशन अगेन फॉलोइंग सेम रूल्स, अगेन परफॉर्म कर रहा असाइनमेंट all pre. How many pre's there? Only one pre operation which is increment in B. Now B becomes 202 because of pre increment. Next, जब इस express second operation क्या होगा इसके according? Assignment. Assignment के according B के places पर replace करें current value of B which is 202 plus A के place पर replace करेंगे value of A which is 299. What is the sum of them? दोनों का एडिशन क्या आएगा 501 is assigned to the B. Now B becomes 501. After that finally post. How many post is there? Only one post operation which is decrement in A. Now A got decremented by 1. Therefore A becomes 298. This is the final value of A and B. इस केस में आउटपुट क्या आएगा? Value of A is 298 and value of B is 501. Clear? Note down. Next one, second example. In case of second example, we are discussing more combination of printf functions regarding increment operations. In that case, previous cases में मैंने जो भी example write किया था उस case में printf के अंदर multiple expressions supply की थी, but here we are supplying only single expressions. In that case, we are supplying only single expression in each printf. इस printf के अंदर number of expressions कितने, only one. In that case also single expression, single like that. Therefore total number of format specifiers kitne, only one format specifier is there, first one. Jaise is case mein solve karenge, already maine discuss kiya tha, in case of printf agar isme na hi assignment perform ho na hi initialization, then apply karenge default rule is initialization rule. Initialization rule ke according first one value of initial value of a is
What is the value of A? Here value of A is 1. Next one. फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू इनिशियलाइजेशन रूल. अगर प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्री इंक्रीमेंट, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट. नाउ ए बिकम्स टू, देन इमीडिएटली रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा टू मल्टीप्लाई बाई अगेन प्री, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट करंट वैल्यू ऑफ ए. नेक्स्ट वन अगेन प्री, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट. नाउ ए बिकम्स फोर देन रिप्लेसमेंट. व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन, टू थ्री फोर मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा इसका 24. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट डिवाइस मॉनिटर समथिंग. नाउ रिजल्ट इज 24 ऑफ फर्स्ट प्रिंट अप, देन स्पेस गॉट प्रिंटेड. नेक्स्ट वन अगेन सेम केस, फिर से ए को इनिशियलाइज किया गया, ए इज इनिशियलाइज्ड बाय री इनिशियलाइज्ड बाय 1. नाउ वैल्यू ऑफ ए इज रिप्लेस्ड बाय 1. अगेन पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट. वैल्यू ऑफ ए इज 1, देयरफॉर 1 इज रिप्लेस्ड. मल्टीप्लाई सॉरी बिफोर मल्टीप्लाई पोस्ट ऑफ पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. नाउ ए बिकम्स 2. नेक्स्ट वन प्री, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट. अगेन प्री, प्री है तो पहले करंट वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे देन रिप्लेसमेंट. रिप्लेस क्या हो करंट वैल्यू ऑफ ए इज 4, देयरफॉर 4 इज रिप्लेस्ड. फाइनल रिजल्ट इज 12. इन दैट केस प्रिंटर विल प्रिंट 12. नेक्स्ट प्रिंट एफ, अगेन बिफोर सॉल्विंग नेक्स्ट प्रिंट एफ इज अगेन री इनिशियलाइज्ड बाय 1, इज री इनिशियलाइज्ड बाय 1, देयरफॉर नेक्स्ट अबाउट प्रिंट एफ प्री और पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट. रिप्लेस करेंगे करंट वैल्यू ऑफ ए विच इज 1. इमीडिएटली ए विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. नाउ ए बिकम्स 2. मल्टीप्लाई प्री और पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट है तो पहले ए का वैल्यू रिप्लेस होगा 2, देन इंक्रीमेंट. नाउ ए बिकम्स 3. नाउ ए बिकम्स 3. नेक्स्ट वन अगेन प्री, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट. नाउ ए बिकम्स 4, देन रिप्लेसमेंट, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 8. द फाइनल रिजल्ट इज 8 विल बी प्रिंटेड. नेक्स्ट वन अगेन ए इज इनिशियलाइज्ड बाय 1. सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन अगेन पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट. ए का वैल्यू क्या है 1, रिप्लेस क्या होगा 1. इमीडिएटली इंक्रीमेंट इन ए, ए बिकम्स 2. नेक्स्ट वन अगेन प्री, पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट. मल्टीप्लाई पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. ए बिकम्स 4. रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज 9. देयरफॉर 9 गॉट प्रिंटेड. नेक्स्ट वन अगेन ए इज इनिशियलाइज्ड बाय 1, ए बिकम्स 1. देन प्री और पोस्ट, प्री, प्री है तो पहले रिप्लेसमेंट सॉरी हियर अकॉर्डिंग टू प्री पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट. अगेन ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस है तो मीन्स पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. ए बिकम्स 3. नेक्स्ट वन अगेन पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. रिप्लेस क्या हुआ इसके इसमें 3, इंक्रीमेंट होने वाला इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4. नाउ फाइनल वैल्यू ऑफ ए इज 4, बट रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 12. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट एग्जाम्पल. टेक डाउन दिस.